दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड का रहने वाला गैरी टर्नर नाम का एक ऐसा इंसान जिसकी त्वचा इतनी ज़्यादा लचीली है कि वह उसे लगभग 14.2 सेंटीमीटर तक खींच सकता है और गर्दन की त्वचा से अपना आधा चेहरा भी ढक सकता है। दोस्तों, है ना अमेजिंग फैक्ट। क्या आप सभी को ये जानकारी इससे पहले पता थी? यदि हाँ तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपने तो भारतीय रेल के बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? यदि नहीं तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव थी। दोस्तों, क्या आप सभी को ये जानकारी इससे पहले पता थी? यदि हाँ तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है। खास बात यह भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत की टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, फिल्म तो आप सभी देखते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो आप सभी क्या जवाब दोगे? आज मैं आप सभी को बता दूं कि भारत की सबसे पहली फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो सन 1913 ईस्वी में बनाई गई थी, और इस फिल्म का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी तो फल बहुत देखे हैं और खाए भी हैं। अक्सर हम लोग फल खाने से पहले पानी से साफ़ करते हैं, और साफ़ करते समय जब हम पानी में डालते हैं तो ज़्यादातर फल डूब जाता है, लेकिन एक ऐसा भी फल है जो पानी में डालने से नहीं डूबता है। दोस्तों, क्या आप सभी उस फल को जानते हैं? यदि नहीं तो मैं आप सभी को बता दूं, वो फल है सेब। सेब को पानी में डालने पर वो डूबता नहीं है, क्योंकि उसमें 25% हवा होती है, इस कारण से सेब पानी में डालने पर डूबता नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।